नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ और एक नई माहिती लेकर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिना कंप्यूटर के हम मोबाइल में किस तरह से सुंदर सी सुंदर पीपीटी और अट्रैक्टिव पीपीटी किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके बारे में मैं संपूर्ण माहिती इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों पीपीटी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं कि क्या पीपीटी यानी क्या है। तो पीपीटी का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो वही हम बनाने वाले हैं और बहुत सिंपल तरीके से आपको मोबाइल में आप किस तरह से बना सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। कंप्यूटर में बनाते समय हमें उसके सामने बैठ के रहना पड़ता है और मोबाइल में बनाते समय हम कहीं भी ट्रैवल करते करते भी हम ये या टीवी देखते देखते भी हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो किस तरह से तैयार करना है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा और हर एक स्टेप मैं इसमें आपका बताने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलेगा। तो चलिए माहिती देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए आपको पावर पॉइंट मोबाइल ऐप ये गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसका लोगो इस तरह से होता है आप देख रहे हैं, ये उसका लोगो है। अभी इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आप देख रहे हो। क्लिक करने के बाद आपके सामने में ये प्लस का साइन दिखाई देगा, इस प्लस के साइन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों जो माहिती मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रत्येक स्टेप को आपको बारीकी से सुनना है, आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वन ड्राइव दिया हुआ है, यहाँ सबसे पहले तो आपको चेंज करना है। अब इसका कारण क्या है वो भी जान लीजिएगा। वन ड्राइव ये है, ये आपका पर्सनल आपके जीमेल में जो ड्राइव है वहाँ पे जाके सेव हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप नेट के बगैर काम कर रहे हैं तो इस समय में आपकी पीपीटी ब्लैंक हो सकती है, पीपीटी हैंग हो सकती है या पीपीटी में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे नहीं रखें, आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नेटवर्क है तो ही आप उसमें रखें, नहीं तो आपको दिस डिवाइस और डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक कर देना है, यानी आपका जो भी बनाओगे वो पीपीटी आपकी मोबाइल में सेव रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आप देख रहे हो, ये इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिलेक्ट नहीं करना है तो अभी हम यहाँ पे मैं ब्लैंक वाला लेके चलता हूँ, आपको ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर देना है, इसको आपको डिलीट कर देना है, एक बार क्लिक करना है और ये डिलीट है यहाँ पे, इनको सबको डिलीट करके आपको इसको ब्लैंक कर देना है, यानी ये आपकी स्लाइड होगी पूरी तरह से ब्लैंक। अगर दोस्तों इसके बाद हम इसको न्यू स्लाइड यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन न्यू स्लाइड लेने से क्या होगा कि यहाँ पे दूसरे स्लाइड में भी इसी तरह से आएगा, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये इस तरह से नहीं करना है तो आपको क्या करना है, आपको पहले स्लाइड को ही आपको कॉपी कर देना है, ठीक है। तो स्लाइड दिख रही है ये वाली स्लाइड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में आ जाता है एक कट के लिए यानी सीजर और दूसरा एक इसको हम कॉपी करेंगे, दूसरा पेस्ट है, तो हम इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद हम जब ये बड़ी वाली स्लाइड है इसके ऊपर यहाँ हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमें पेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम पेस्ट किया तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारी ये दो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ब्लैंक स्लाइड। तो इस तरह से आप जितने भी आपको स्लाइड चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो चार स्लाइड अभी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, ये मैंने दो चार स्लाइड यहाँ पे डाल दिया। इस तरह से आपको स्लाइड बना लेना है, नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं या फिर आप प्लस के ऊपर भी क्लिक करके आप नई स्लाइड बना सकते हैं जिस तरह से ये स्लाइड आई हुई है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले पहले नंबर के स्लाइड पे चलेंगे, सबसे पहले हम पहले नंबर के स्लाइड पे जा रहे हैं। इस स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पे हमें जो चाहिए वो हम यहाँ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हो सकता है कि आपको इंट्रो वीडियो डालना हो या आपका जो इमेज रहेगा वो डालना हो, तो उसको किस तरह से ऐड करना है, तो जहां जहां मैं आपको इंडेक्स कर रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें वीडियो ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो ये होम आपको दिखाई दे रहा है, इस होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन है, इस इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, जिस तरह हम पीसी में काम करते हैं वैसा ही ये भी है। तो इंसर्ट में आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रोल करेंगे, नीचे में आप देख रहे हो अभी पिक्चर आ गया, पिक्चर के बाद में वीडियो आ गया, तो अभी मैं इसमें वीडियो ऐड करूंगा तो वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी ये वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे जहां मेरे वीडियो है वहां पे ये जा रहे हैं, तो अभी मुझे ये वीडियो में से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ लेकिन मुझे ये वीडियो नहीं चाहिए तो मैं दूसरे जगह जाऊंगा जहां पे वो वीडियो रखी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम वीडियो में जाएंगे और मैं वीडियो यहाँ पे कोई एकाध अपना जो वीडियो रहेगा वो सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो इस वीडियो को मैं क्या करूंगा क्लिक करूंगा तो ये वीडियो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ गया, ये वीडियो यहाँ पे सेट हो गया है, इसको हम आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सेट कर सकते, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको जहां जैसा आपको सेट करना है वो कर सकते। तो देखिए आपको कितना सेट करना है, जहां तक उसका बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट वाला जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है वहां तक ही सेट करना है, इसके बाहर आपको नहीं लेके जाना, जैसे कि आप देख रहे हो और ऊपर एक लाइन भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, वहां तक हम इसको पूरा सेट कर देंगे। तो अच्छे तरह से इसको पहले सेट कर लेना है, देखिए यहाँ पे हो गया, अभी मैं इसको थोड़ा ये करूंगा तो ये इधर तक सेट हो गया है। अब हो सकता है कि नीचे गया हो तो मैं क्या करूंगा इसको नीचे से दिखता हूँ बराबर आया कि नहीं आए, तो ये नीचे भी हम यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर, ठीक है। अभी लगता है ये ऊपर चला गया है तो हम इसको देखेंगे और इसको ऊपर से भी एक बार क्लिक करेंगे,
ठीक है, हम ज़्यादा इसको ऊपर भी नहीं लेके जाएंगे। इस तरह से आपको इसको अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया है। सेट करने के बाद हमारा एक स्लाइड बन गई, हम दूसरी स्लाइड पे जाएंगे। अब मुझे दूसरी स्लाइड में कुछ इमेजेस डालना है, ठीक है। तो मैं इमेज डालने के लिए, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये इमेज डालने के लिए है और ये सेव्स डालने के लिए है और ये आपको टेस्ट डालने के लिए। लेकिन मैं ये शॉर्टकट आप बाद में यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए फिर से ट्रायंगल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर वापस जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नीचे में आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर्स, ये पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे फोटो और कैमरा दे रहा है। तो फोटो में हम जाएंगे, कैमरे में तुरंत हम खींची हुई फोटो डाल सकते हैं, हमारे पास पहले से खींची हुई है तो यहाँ डालेंगे। तो अभी मैंने ये बना के रखा है एक इमेज, तो ये मैं डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो ये वहां पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अभी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये क्रॉप के लिए दे रहा है, डिलीट के लिए दे रहा है, इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको, हमारे लिए इसको क्रॉप करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या डन कर देंगे, डन के ऊपर आपको क्लिक कर देना, ये दिखाई दे रहा है, डन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये इमेज हमें इसको वापस सेट करना है क्योंकि ये अभी बीच में आके अटक गई है, तो हम क्या करेंगे इसको भी सेट करेंगे बराबर इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे इसको इस तरह से खींच देंगे, जैसे मैं देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कर दिया। तो ये इस तरह से मेरी ये यहाँ पे ये जो स्लाइड है ये भी बन गई है और ये यहाँ पे फिट हो गई, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करना है देखिए, इसको आप क्लिक करके रखेंगे, क्लिक करके रखने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में ऑप्शन मिल रहा है, देखिए क्रॉप कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से अगर ऑप्शन आएगा तो ये इसको हम क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से। अगर हमें छोटा बड़ा चाहिए तो हम इसको क्रॉप कर सकते हैं, उतना चीज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये ब्लैंक वाला है, जिस तरह से ब्लैंक ब्लैंक जा रहा है तो ये इतना भाग क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। और उसके बाद अभी हमें इसको और भी प्रकार से इसको सेट करना है, तो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार दिया हुआ है, तो इस तरह से हम इसको आसानी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी दूसरा चाहिए तो ये इस तरह से हम इसको उसका पीछे का बैकग्राउंड भी आप आराम से बदल सकते हैं, या और भी दूसरा तरीका चाहिए तो ये आप बदल सकते हैं, ठीक है। ये आप इसमें डाल सकते हैं तो अच्छा आपका ये पीपीटी बहुत ही अच्छा लगेगा। ये इस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरह सेट हो रहा है, क्योंकि ये फुल स्क्रीन में करके रखे इसलिए यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये आप यहाँ पे देख, ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपनी पीपीटी बना सकते हैं। तो मेरी दो स्लाइड बन गई है, हमने ये बनाया, दूसरा हाउ टू मेक अ पीपीटी ऑन मोबाइल। तो ठीक है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसी का यहाँ पे मैंने पीपीटी यहाँ पे डाल दिया। अभी मैं तीसरे स्लाइड पे डाल जाऊंगा, जो मुझे और भी कुछ रखना है। तो इसके लिए अभी मैं समझो मुझे सेप्स लेना है ताकि मैं अच्छे से कुछ आपको बता सकूँ या वेलकम वगैरह कर सकूँ। तो इसके लिए मुझे क्या इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पे जाके यहाँ पे मैं यहाँ से सेप्स ले सकता हूँ, ठीक है। ये सेप्स ले सकते हो, यहाँ बहुत सारे सेप्स है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ अलग अलग प्रकार के सेप्स है, नीचे में आप देख सकती है। तो ये बहुत सारे प्रकार के सेप्स है, आपको जो अच्छा लगेगा वो यहाँ पे आप सेप्स ले सकते हैं। जरूरत होने पर नहीं है, अगर जरूरत है तो आप वो नहीं भी ले सकते। इनका कलर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट, अभी मैं यहाँ पे नहीं, मैं चलो शॉर्टकट में आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। ये हो गया हमारा, हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये जो ट्रायंगल है, तो हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद मैंने कहा था कि ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे स्टेप्स यहाँ पे शॉर्टकट में आ गए हैं। हमें जो चाहिए वो हम यहाँ पे स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि मैं भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टेप सिलेक्ट कर लिया है। और इसको भी क्या करना है, आपको उसी तरह से सेट कर देना अच्छे से, ठीक है। जो भी आपको करना है तो यहाँ पे जहाँ आपको रखना है उसको आप रख सकते हैं अच्छे से, इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको बना सकते हैं, मैं अभी ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप सेप्स ले सकते हैं। अभी सेप्स में मुझे कुछ लिखना है, टेक्स्ट भी आपको बताना है मुझे, तो टेक्स्ट क्या किस तरह से लेना है, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आ गया, यहाँ पे हमें कुछ डालना है, लिखना है, तो हमें कह रहे हैं यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा कीबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हम इसको देखो, हमारा कीबोर्ड आ गया है, यहाँ हमें कुछ लिखना है। अभी मैं हिंदी में या इंग्लिश में, मान के चलो मैं यहाँ वेलकम लिख देता हूँ, ठीक है। ये वेलकम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और अब हम इसको सेट कर देंगे। एक बार यहाँ क्लिक करेंगे और इसको उठा के हम यहाँ से ये जो है इसको इस तरह से सेट कर देंगे। अब ये बहुत छोटा दिख रहा है तो इसका हमें क्या करना है, इसको फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो यहाँ से हम बोल्ड कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ बोल्ड हो रहा है, अब इसके फॉन्ट साइज नहीं बढ़ा, तो क्या करेंगे, फिर से हमें इस ट्रायंगल दो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये होम में अभी ऑलरेडी आ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे उसका फॉन्ट साइज दे दिया हुआ है 18। हम इसको बढ़ा देंगे, यहाँ बहुत है, अब ये देखो यहाँ पे है, अभी 88 कर दिया तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब हम इसको यहाँ पे पकड़ के, ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं वहां से इसको पकड़ के हम इसको सेट कर देंगे। इसको ज्यादा भी बाहर नहीं लेके जाना है, नहीं तो आपके ये इस तरह से बाहर गया तो फिर आपका टेक्स्ट इधर उधर भाग सकता है। तो आपका ये जो वाइड मार्जिन है इसके इधर नहीं आना चाहिए, ये जो ये तीन डॉट है, दो डॉट है, ये इसके अंदर ही आना चाहिए। देखो ये रेड लाइन दे रहा है, मतलब रेड यानी मालूम है कि आपको खतरा, यानी इसके हम इधर नहीं जा सकते, हमको यहाँ तक ही इसको सेट करना है। तो इसको हम कम करेंगे क्योंकि हमारा टेक्स्ट उतने नहीं है, हमने यहाँ तक कर दिया। इसको उठा के थोड़ा ऊपर कर देंगे यहाँ पे पकड़ के इस तरह से, ये हमारा हो गया।
पेज। अब हम इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे इस टेक्स्ट को, और यहाँ पे देखो बोल्ड दिया है, इटैली दे रहा है, अंडरलाइन दे रहा है, आप जो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद इसका कलर चेंज कर सकते हो, मैं इसको कलर के ऊपर क्लिक करूंगा, या सामने में एक छोटा सा हाफ ट्रायंगल दे रहा है यानी नेविगेशन दिया हुआ है, ये मेरा जो एरो दिख रहा है आपको उसको ध्यान देना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप बहुत सारे कलर है देखो, तो उसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, ये मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। इससे भी अच्छा अच्छा कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी दिया है, फॉन्ट का स्टाइल दिया है, आप ये सब चेंज कर सकते हैं। अगर उसको कहाँ मिडल में रखना है, कॉर्नर पे रखना है, तो भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप उसको ऑटोमेटिकली अच्छे से कर सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। अभी ये मैंने इसको हॉरिजॉन्टल रखा है, तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर आप वर्टिकल रख के, सीधा मोबाइल रख के भी आप इसको बनाओगे तो बहुत अच्छे से बन जाता है, ठीक है। आपको मोबाइल में बताने के लिए अच्छा दिखना चाहिए, इसके लिए इस तरह से मैंने मोबाइल रखा हुआ है। आप इसको खड़े मोबाइल में भी बना सकते हैं, खड़े मोबाइल में यूज करना उससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया, अभी मुझे क्या करना है, अब ये जो है इसको मुझे एनिमेशन भी देना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आपको मैंने बता दिया, पहले वीडियो किस तरह ऐड करते हैं वो भी बता दिया, मैंने इमेज किस तरह से ऐड करते हैं वो भी बता दिया, सैप्स किस तरह से लेना है वो भी मैंने बता दिया, उसके बाद टेक्स्ट किस तरह से लेना है वो भी मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं इसको एनिमेशन किस तरह से देते हैं, ठीक है। इस वेलकम को मुझे एनिमेशन देना है, तो क्या करना है मुझे, इस वेलकम को क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने के बाद, चलो और एक बात आपको बता देता हूं, इसका फॉन्ट साइज तो हमने चेंज कर लिया, इसी के साथ हम इसका फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहां पे दिया है ये, तो ये हम इसका फॉन्ट का अलग अलग स्टाइल जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अगर जो भी स्टाइल होगा तो आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका अलग अलग प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यानी जिस तरह से आपको बनाना है वो आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये हो गया। देखो मैं पहले कहा था कि अगर इसको आप बराबर एडजस्ट नहीं करोगे तो ये आपके वर्ड जो है इधर उधर भाग जाएंगे। अभी मैंने ज्यादा बोल्ड कर दिया, ये वर्ड भाग गए, इसको हम फिर से एडजस्ट कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये आ गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये वेलकम। तो अभी तो हम वो भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे जाऊंगा एनिमेशन में, इंसर्ट में जाऊंगा, या फिर ये ट्रायंगल इसके ऊपर क्लिक करके भी मैं डायरेक्ट यहाँ से बैक आ सकता हूँ, ठीक है। ये शॉर्टकट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मुझे फिर लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा ये कीबोर्ड आ गया। कीबोर्ड आने के बाद यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, तो मैंने यहाँ डाल दिया डिजिटल आशना, ठीक है मैंने ये डाल दिया डिजिटल आसना। अब मैं इसको भी सेट करूंगा अच्छे से यहाँ पे, पहले तो मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। बोल्ड करने के बाद मैं इसका भी साइज चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे ट्रायंगल पे, ट्रायंगल पे जाने के बाद यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज मैं अभी इसका बहुत बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखे ये, ठीक है। ये इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं, और अभी मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब डिजिटल हमारा रह गया है, ये क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ये वर्ड एक ही सिलेक्ट हुआ इसलिए हुआ, अगर ये सिलेक्ट पूरा हो गया रहता तो सब कुछ यहाँ पे बराबर आ गया रहता, तो इसलिए हमें पूरा एक साथ सिलेक्ट करना है। तो एक साथ भी कर सकते हैं, आधा आधा अगर आपको करना है तो आप उसको आधा भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अभी हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। ये इस तरह से एडजस्ट कर लेना, ये दोनों डॉट को पकड़ के खींच, इस तरह से खींचोगे तो ये हो जाएगा। अभी इसको हम थोड़ा सा ये इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग कलर भी दे सकते हैं, तो कलर कैसे देना है देखिए, कलर देने के लिए क्या करना है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। सबसे पहले तो आपको इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट का ऑप्शन है, ये इतना सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसको दो तरह से कलर देना है। यहाँ पे कलर दे रहा है, ये आपको कलर यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको कोई भी कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो अच्छा कलर लगेगा। तो मैं इसको रेड कलर में डाल देता हूँ, और इसको फिर दूसरा कलर और एक डाल देते हैं, तो इसको हम फिर से सेलेक्ट करेंगे, और इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ग्रीन में, ठीक है। ये हो गया, ये बन गया है पेज। तो चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं एनिमेशन किस तरह से इसको देना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जिसको पहले आपको लाना है स्क्रीन के ऊपर, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना है, ये सिलेक्ट क्लिक हो जाएगा। इसके बाद आपको ये ट्रायंगल है यहाँ पे आपको जाना है, क्लिक कर देना है, यहाँ होम है लिखा हुआ, यहाँ पे आपको एनिमेशन मिल जाता है, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिया है इंटरेस्ट इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपको लगता है बहुत सारे हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो गया, पहला मैंने इसको दे दिया। अब मुझे इसको भी देना है उसके बाद, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ पे गया और यहाँ क्लिक किया, तो दूसरे को भी मैं इसी तरह का कोई एक दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी मैं कोई एक दूसरा यहाँ पे डाल देता हूँ, चलिए हम फर्स्ट वाला डाल देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हो गया, यानी पहला ये आएगा दूसरा ये आएगा, एनिमेशन हम अभी जब स्लाइड शो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से आएगा ये, ठीक है। ये हो गया, अभी क्या करना है,
अभी मान के चले कि हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट किस तरह से करना है एनिमेशन को, तो इसके ऊपर हम क्लिक करके रखेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अब इसको क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो, एनिमेशन नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी ये रहा, ये हो गया हमारा, पीपीटी बन गई है। पीपीटी को जिस तरह से प्रेजेंटेशन करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मुझे इस पीपीटी का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप कहां से करना है, तो क्या करना होगा इसके लिए, इसके लिए आपको यहां पे फिर क्लिक करना होगा और यह जाना होगा डिजाइन के ऊपर। डिजाइन के ऊपर जाना, यहां पे बहुत सारे थीम है, अगर आपको उसका जो हमने सिंपल सा थीम लिया था अगर उस थीम को चेंज करना है तो आप आसानी से यहां पे जाके, ये बहुत सारे थीम्स हैं, ये आपको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर जो चाहिए वो आप यहां से थीम ले सकते हो। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप उसी सिंपल थीम को बहुत अच्छे से बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे फॉर्मेट का बैकग्राउंड दिया है, इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ गया, लेकिन यहाँ पे और भी कलर है, ये सामने में नेविगेशन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कलर आपको देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कलर है, आपको जो लगता है वो कलर आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते जाएंगे नेविगेशन के ऊपर, और नेविगेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बहुत सारे कलर है, आप देख रहे हो, कोई भी कलर ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा डार्क ब्लू वाला ये ले लेता हूँ, ये और भी जो अच्छा आपको लगता है इस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो और एक स्लाइड है, इसमें अगर कुछ डालना है तो डालिए, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी कुछ डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, लेकिन अभी जहाँ तक मुझे जितना समझाना चाहिए था आपको कि किस तरह से अच्छी पीपीटी आप बना सकते हो, तो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि किस तरह से आपको डिजाइन करना है, किस तरह से आपको पिक्चर डालना है, वीडियो डालना है, उसको ए देना है, ट्रांजेक्शन देना है। तो चलिए अभी एक छूट गया हमारा जो है ट्रांजेक्शन का, तो वो हम यहाँ पे डालते किस तरह से रहता है। तो पहले तो हम ये जो स्लाइड हमारी एक्स्ट्रा है इसको हम डिलीट कर देंगे, ये हमारी चार नंबर की स्लाइड अभी हमको नहीं चाहिए, ये पांच नंबर वाली भी स्लाइड नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा इतने में हमारा प्रेजेंटेशन हो गया, आपको जितना लगता है उतना बनाइए, इतने में मेरा यहाँ पे जो समझाना था उतना मेरा पार्ट यहाँ पे हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ वापस हम डिजाइन के ऊपर जाएंगे और ये ट्रांजिशन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका इफेक्ट दिया हुआ है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो आपको जिस तरह चाहिए वो आप ले सकते हो, यहाँ अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं। तो यहाँ अभी मैं फिलहाल में एक स्लाइड वाला है स्वैप वाला ले लेता हूँ, तो ये वाला मैंने ले लिया और इसको मैं ऑल कर दूंगा, अप्लाई टू ऑल, ऑल कर दिया, ये मेरा हो गया है तैयार। ठीक है, मैं यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा हो गया। अब ये होने के बाद हम इसको, ये राइट मार्क दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम इसको सेव कर देंगे, हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पे बन गया, तैयार हो गया। इसको आप रीनेम कर सकते हो, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, जबकि मैं इसको अभी चेंज कर देता हूँ और लिख देता हूँ पीपीटी। ठीक है, पीपीटी या हाउ टू मेक अ पीपीटी। ठीक है, हाउ टू, क्लिक करेंगे, सेव हो गया, हाउ टू मेक पीपीटी। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको प्रेजेंटेशन किस तरह से करना है, अगर हम इसको थोड़ा कुछ एडिट करना है तो ये आपका दिखाई दे रहा है पेन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वापस एडिट में चले जाएंगे। अगर हमें इसको प्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन के ऊपर जाएंगे, और शेयर करना है तो इसके ऊपर जाके शेयर कर सकते हैं। तो हम अभी प्रेजेंटेशन करेंगे कि किस तरह से हमारा स्लाइड बनेगा, तो हमने लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर क्लिक करके रखा था इसलिए ये लास्ट वाला दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हमें प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है, पहले वाली स्लाइड के ऊपर आपको क्लिक करके रखना है। ठीक है, ये पहली वाली स्लाइड हमारी आ गई है, ये पहली वाली स्लाइड पर रखेंगे और फिर प्रेजेंटेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये हो गया प्रेजेंटेशन, हम क्लिक करेंगे और इसको प्ले करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा वीडियो प्ले हो जाएगा। अब हम इसको साइड में क्लिक करेंगे इधर बाहर में, तो ये हमारे दूसरी स्लाइड भी आ जाएगी, ये हम यहाँ पे क्लिक कर जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे तो अगली स्लाइड आएगी, ये साइड में क्लिक करेंगे तो पीछे वाली स्लाइड आ जाएगी, यानी जो चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी दूसरी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, या फिर आप इसको आपकी जो फिंगर है उससे भी आप इसको स्क्रोल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी। देखिए जिस तरह से ये आ गई है, तो ये स्लाइड आ गई, ये हमारी दूसरे नंबर की स्लाइड है, ये उसके बाद हमें तीसरे नंबर की स्लाइड लाना है, फिर हम इसको उंगली से ये कर सकते हैं या फिर इसको कर्सर से आप उसको क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने दिया है एनिमेशन, तो वो एनिमेशन आएगा, देखिए अब हमारा दूसरा एनिमेशन आ जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पे पीपीटी हम बहुत ही सुंदर तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन। अगर इस प्रेजेंटेशन में आपको अगर कुछ रिमार्क करना है तो रिमार्क करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पेन मिल जाते हैं जिससे हम इस तरह से रिमार्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हमको पढ़ाना है, इसको गोला करना है या कुछ बताना है तो हम इसको आसानी से इस तरह से रिमार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हाईलाइटर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये हाईलाइटर है, हाईलाइटर ले सकते हैं, इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इरेज करना है तो यहाँ इरेज ऑल करके हम इसको इरेज भी कर सकते हैं, यानी आपके आपके लिए ये सब सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है। पेन का कलर आप ले सकते हैं, हाइलाइटर का कलर आप ले सकते हैं, या हाइलाइटर का कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, आप यहाँ से पेन का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पेन का कलर जो भी रहेगा
पर यहाँ पे पेन पे चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेन आ जाएगा और पेन से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस तरह से है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि ऐसे ही जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।